दिल से बुलाया हिमांशु कुमार आया, ताजमहल दो चैन ऐश सुमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। चैन आइसो मेरिज्म, सबसे पहले तो समझो चैन आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन है हमारा दोस्त टू और मोर देन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड फंक्शनल ग्रुप बट डिफरेंट इन लेंथ ऑफ प्रिंसिपल चेन आर कॉल्ड चेन आइसोमर्स एंड द प्रोसेस इज नोन एज चेन आइसोमेरिज्म। प्रोसेस के जगह तो फेनोमेनन भी लिख सकते हैं, फेनोमेनन। देखिए दोस्त, दो या दो से अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो और सेम फंक्शनल ग्रुप भी हो लेकिन अलग अलग हो प्रिंसिपल चेन का लंबाई, तो उसे कहते हैं चेन आइसोमर्स और होने वाली घटना को कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म। देखिए दोस्त, ऑर्गेनिक कंपाउंड तो वो खास खास कंपाउंड जिसको प्लांट और एनिमल्स ऑब्टेन करते हैं उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। प्रिंसिपल चेन का मतलब होगी दोस्त लॉन्गेस्ट होना चाहिए, लॉन्गेस्ट के साथ साथ कंटिन्यूअस होना चाहिए और वो चेन हमारा कार्बन का होना चाहिए, तो उसको प्रिंसिपल चेन कहते हैं। पॉइंट नंबर टू हमारे दोस्त, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन टू फॉर्म चेन आइसोमेरिज इज फोर। देखिए दोस्त, बोलते हैं कि न्यूनतम संख्या कार्बन का होना चाहिए चेन आइसोमेरिज बनने के लिए, कम से कम चार कार्बन अगर हमारे पास होगा दोस्त तो हमारा चेन आइसोमेरिज वहां से शुरुआत होता है। एग्जांपल है हमारे दोस्त C4H10, कार्बन का संख्या कितना है चार, तो चार कार्बन लिख दिए, एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन और चार कार्बन। देखिए दोस्त, एक बॉन्ड दिखाई दे रहा है इस कार्बन के पास, तीन बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर तीन ठो हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन के पास दो ठो बॉन्ड दिखाई दे रहा है, दो बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दो ठो हाइड्रोजन भर दिए। इस कार्बन के पास दो बॉन्ड है और दो बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर दो ठो हाइड्रोजन भर दिए। इस कार्बन के पास एक बॉन्ड है तीन बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर तीन ठो हाइड्रोजन भर दिए।
हम लोग के पास चार कार्बन है दोस्त, तो तीन कार्बन को स्ट्रेट चेन में लिए और एक कार्बन को ब्रांच चेन में लिए। तो कार्बन का एक बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तीन बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर तीन ठो हाइड्रोजन भरेंगे। कार्बन के पास चार बॉन्ड होता है, तो एक बॉन्ड दो बॉन्ड तीन बॉन्ड, तीन बॉन्ड दिखाई दे रहा है एक बॉन्ड दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन का एक बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तीन बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर तीन ठो हाइड्रोजन भरेंगे। कार्बन का एक बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तीन बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर तीन ठो हाइड्रोजन भरेंगे। देखिए दोस्त, यहाँ पर एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन है, तो चार कार्बन लिख दिए। तीन दो पांच हाइड्रोजन, पांच दो सात, सात तीन दस हाइड्रोजन, तो यहाँ हाइड्रोजन का नंबर कितना है, दस। यहाँ पर देखिए दोस्त, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन है, यहाँ पर चार कार्बन लिख दिए। तीन एक चार, चार तीन सात, सात और तीन दस हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का संख्या क्या है, दस। देखिए दोस्त, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अब आते हैं प्रिंसिपल चेन की लंबाई चेक करते हैं। तो यहाँ पर प्रिंसिपल चेन हो गया हमारा दोस्त एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और चार कार्बन। तो चार कार्बन के लिए रूटवर्ड हो गया ब्यूट, तो ब्यूट लिख दिए। कार्बन और कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया ब्यूटेन। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर प्रिंसिपल चेन तीन कार्बन का मिल रहा है हम लोग को, ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया, तो ये बन गया ब्रांच। तो CH3 को ब्रांच के रूप में मिथाइल लिखते हैं, तो यहाँ पर लिख दिए मिथाइल। और यूपेक नेम लिखते हैं, सबसे पहले दोस्त हम लोग ब्रांच का नाम लिखते थे, टू पर क्या है मिथाइल, यहाँ लिख दिए टू मिथाइल। तीन कार्बन के लिए रूटवर्ड हो गया प्रोप, तो यहाँ पर लिख दिए प्रोप। कार्बन और कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए। नंबर और अल्फाबेट है, तो दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया टू मिथाइल प्रोपेन। देखिए दोस्त, यहाँ पर प्रिंसिपल चेन चार कार्बन का है, यहाँ पर प्रिंसिपल चेन तीन कार्बन का है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, लेकिन प्रिंसिपल चेन का लंबाई अलग अलग है। तो ये हमारे दो चेन आइसोमर्स हो गया, और होने वाली घटना को चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे दोस्त C5H12, कार्बन का नंबर क्या है, पांच। तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन और ये पांच कार्बन हो गया। तो कार्बन का एक बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तीन बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर तीन ठो हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन का दो बॉन्ड दिखाई दे रहा है, दो बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दो ठो हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन का दो बॉन्ड दिखाई दे रहा है, दो बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दो ठो हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन का दो बॉन्ड दिखाई दे रहा है, दो बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर दो ठो हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन का एक बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तीन बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर तीन ठो हाइड्रोजन भर दिए। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर प्रिंसिपल चेन एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन और पांच कार्बन का, तो पांच कार्बन के लिए रूटवर्ड हो गया पेंट, तो पेंट लिख दिए। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया पेंटेन। अब देखिए दोस्त, हम लोग चार कार्बन का प्रिंसिपल चेन ले रहे हैं, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और चार कार्बन, और एक कार्बन को दोस्त हम लोग ब्रांच के रूप में ले रहे हैं। कार्बन का एक बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तीन बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ पर तीन ठो हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन का तीन बॉन्ड दिखाई दे रहा है, एक बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन का एक बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तीन बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर तीन ठो हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन का दो बॉन्ड दिखाई दे रहा है, दो बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ पर दो ठो हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन का एक बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तीन बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर तीन ठो हाइड्रोजन भर दिए। अब देखिए दोस्त, प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त हमारा चार कार्बन का, तो नंबरिंग करेंगे लेफ्ट टू राइट, क्योंकि अगर नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करते हैं तो ब्रांच के नंबर एक नंबर, दो नंबर, दो नंबर पर ब्रांच मिलता है। अगर राइट साइड से नंबरिंग करते हैं तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो तीन नंबर पर ब्रांच मिलता है। तो नंबरिंग कुछ इस तरह से करना है कि ब्रांच को छोटा से छोटा नंबर मिल सके, तो नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करेंगे, क्योंकि लेफ्ट टू राइट करने पर दो नंबर पर ब्रांच मिल रहा है। तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त हमारा एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और चार कार्बन का। ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया, तो जब CH3 ग्रुप ब्रांच के रूप में पाया जाता है तो उसका नाम हो जाता है मिथाइल। अब हम लोग दोस्त यूपीए के नाम लिख रहे हैं, तो सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते थे, टू पर क्या है मिथाइल।
लिख दिए टू मिथाइल। चार कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ब्यूट, तो लिख दिए ब्यूट। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में लिख दिए एन। नंबर और अल्फाबेट है तो दो हटों का साइन दे दिए। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर रूट वर्ड है पेंट, यहाँ पर रूट वर्ड क्या है ब्यूट, तो दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला दोस्त सेम है, लेकिन प्रिंसिपल चेन का लंबाई क्या है अलग अलग। यहाँ रूट वर्ड पेंट है, यहाँ पर रूट वर्ड ब्यूट है, तो होने वाले इन दोनों को क्या बोलते हैं, ये दोनों आपस में चेन आइसोमर्स है, और होने वाली घटना को क्या बोलते हैं, चेन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर दो, C4H9 और Br। कार्बन का नंबर चार है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और चार कार्बन लिख दिए। एक ब्रोमीन ग्रुप भी लगा हुआ है तो यहाँ पर एक ब्रोमीन लगा दिए। कार्बन का एक बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तीन बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ पर तीन हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन का दो बॉन्ड दिखाई दे रहा, दो बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा, दो हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन का दो बॉन्ड है, दो बॉन्ड नहीं है, तो दो हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन का दो बॉन्ड है, दो बॉन्ड नहीं है, तो दो हाइड्रोजन भर दिए, और यहाँ पर लगा दिए दोस्त ब्रोमीन ग्रुप। तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त हमारा हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन, सिंगल कार्बन, तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त हमारा एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और चार कार्बन का। तो ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया, तो ब्रोमीन को ब्रांच के रूप में ब्रोमो बोलते हैं, तो लिख दिए यहाँ पर ब्रोमो। तो एक नंबर पर क्या है ब्रोमो, तो लिख दिए वन ब्रोमो। चार कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ब्यूट, यहाँ पर लिख दिए ब्यूट। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए। नंबर और अल्फाबेट है तो दुहटों का साइन दे दिए। इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया वन ब्रोमो ब्यूटेन। अब देखिए दोस्त, अभी हमारे पास चार कार्बन का प्रिंसिपल चेन है, अब हम लोग थ्री कार्बन का प्रिंसिपल चेन लेंगे, एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन, और एक कार्बन को ब्रांच में डाल दिए। एक ब्रोमीन ग्रुप था और वो भी एक नंबर पर ब्रोमीन लगा हुआ था, तो यहाँ पर एक नंबर पर ब्रोमीन लगाएंगे। कार्बन का एक बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तीन बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ पर तीन हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन का तीन बॉन्ड दिखाई दे रहा है, एक बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन का एक बॉन्ड दिखाई दे रहा, तीन बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ पर तीन हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन का दो बॉन्ड दिखाई दे रहा, दो बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन भर दिए। अब देखिए दोस्त, हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन, सिंगल कार्बन, तो प्रिंसिपल चेन हो गया हमारा एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन का। ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो बन गया ब्रांच, तो CH3 को ब्रांच के रूप में मिथाइल बोलते हैं। अब ब्रोमीन भी ब्रांच बन गया, तो ब्रोमीन को ब्रांच के रूप में ब्रोमो बोलते हैं। सबसे पहले दोस्तों ब्रांच का नाम लिखते हैं, तो ब्रोमो का बी और मिथाइल का एम, ABCD पहले बी आता है, तो पहले ब्रोमो का नाम लिखेंगे। तो एक नंबर पर क्या है ब्रोमो, तो लिख दिए वन ब्रोमो। टू नंबर पर मिथाइल है तो लिख दिए टू मिथाइल। तीन कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रोप, तो यहाँ पर लिख दिए प्रोप। कार्बन और कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सरफेस के रूप में एन लिख दिए। नंबर और अल्फाबेट है तो दुहटों का साइन दे दिए। अल्फाबेट और नंबर है, दुहटों का साइन दे दिए। नंबर और अल्फाबेट है, दुहटों का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया वन ब्रोमो टू मिथाइल प्रोपेन। अब देखिए दोस्त, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, चार कार्बन लिख दिए। तीन दो पांच, दो सात, दो नौ हाइड्रोजन है तो नौ हाइड्रोजन लिख दिए। एक ब्रोमीन है तो एक ब्रोमीन लिख दिए। यहाँ पर देखिए दोस्त, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन है तो यहाँ पर चार कार्बन लिख दिए। अब हाइड्रोजन गिनते, तीन चार तीन सात दो नौ हाइड्रोजन, यहाँ पर नौ हाइड्रोजन हो गया। एक ब्रोमीन है तो यहाँ पर एक ब्रोमीन लगा दिए, मतलब इन दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है दोस्त, सेम। अब आते हैं प्रिंसिपल चेन का लंबाई चेक करते हैं, तो यहाँ पर चार कार्बन का रूट वर्ड है और यहाँ पर तीन कार्बन का प्रिंसिपल चेन है, तो प्रिंसिपल चेन का लेंथ क्या है अलग अलग। तो ये दोस्त आपस में चेन आइसोमर्स है, और होने वाली घटना को क्या बोलते हैं, चेन आइसोमेरिज्म। तो इस तरह से दोस्त हमारा चेन आइसोमेरिज्म खत्म हुआ, कि तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए, और जितना भुलाना चाहा तुम उतना याद आए।